नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी फोर्ब्स की ताकतवर हस्तियों की सूची में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोर्ब्स पत्रिका की 2015 की ताकतवर हस्तियों की सूची में 9वें स्थान पर रखा गया है। इस सूची में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले स्थान पर हैं। 2014 की फोर्ब्स की ताकतवर हस्तियों की सूची में मोदी 14वें स्थान पर थे। फोर्ब्स ने मंगलवार को यह सूची जारी करते हुए कहा कि भारत में 1.2 अरब लोगों की देखरेख करने को हाथ मिलाने से अधिक बहुत कुछ करने की जरूरत होती है। मोदी को अपनी पार्टी भाजपा के सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहिए और झगड़ालू विपक्ष को नियंत्रण में रखना चाहिए। जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल को सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा तीसरे, पोप फ्रांसिस चौथे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 5वें स्थान पर हैं। भारतीय मूल के हरजीत सज्जन बने कनाडा के रक्षा मंत्री। भारतीय मूल के कनाडाई सिख हरजीत सज्जन को बुधवार को कनाडा का नया रक्षा मंत्री बनाया गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की 30 सदस्यीय कैबिनेट को यहां एक कार्यक्रम में शपथ ग्रहण कराई गई। हरजीत सज्जन को कनाडाई सशस्त्र बलों के लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद दिया गया है। वे वैंकूवर साउथ के निर्वाचित सांसद और एक पूर्व सैनिक भी हैं जिन्होंने बोस्निया में अपनी सेवाएं दी है। इसके साथ ही उनके अफगानिस्तान के कंधार में 3 बार तैनाती हो चुकी है। सज्जन का जन्म भारत में हुआ था और जब वे 5 साल के थे तो उनका परिवार कनाडा चला गया था। तीर्थ सिंह ठाकुर होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस एचएल दत्तू ने जस्टिस तीर्थ सिंह ठाकुर को अगला मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेज दी है। जस्टिस दत्तू 2 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस ठाकुर देश के 43वें प्रधान न्यायाधीश होंगे। जस्टिस ठाकुर को 17 नवंबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। देश के प्रधान न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 1 साल से कुछ अधिक 4 जनवरी 2017 तक रहेगा। 63 वर्षीय ठाकुर ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी प्रकरण में फैसला सुनाने वाली पीठ की अध्यक्षता की थी। बहुचर्चित शारदा चिटफंड घोटाले के मामले की जाँच की निगरानी भी न्यायमूर्ति ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ही कर रही है।